जी सर। हाँ, सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबों का उड़ीसा राज्य विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहाँ हम लोग पुनः एक बार एक नए विषय के साथ वापिस आप समझ के समझ से लौट चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो आपके BFST डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन विषय से संबंधित है, जहाँ आज आपके चौथे पेपर जो मुख्य रूप से अगर जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो उस चौथे पेपर में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का प्रयोग, यानी सूचना प्रौद्योगिकी में आज के समय में जो कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है, विशेष करके हिंदी भाषा भाषी के तौर पर हिंदी भाषा का जिस तरह से प्रयोग बढ़ रहा है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम लोग के समक्ष विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार रावत सर मौजूद है, जो हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप और अनुवाद कार्य में विशेषज्ञ है और वर्तमान में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे आप और हम IIT खड़गपुर के नाम से जानते हैं, वहाँ कार्यरत है। तो मैं सर का अपने आप सभी विद्यार्थियों की ओर से, अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, अपने विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ और सर से निवेदन करता हूँ कि सर अपने व्याख्यान का आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, आप शुरू कर सकते हैं। प्रोफेसर अभिषेक जी और बाकी सभी मेरे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत आज की कक्षा में। मैं देख रहा हूँ काफी कुछ नए लोग भी हैं क्या इस क्लास में पहली बार से? नहीं सर, मुझे तो पुराने वाले लोग ही हैं। हाँ सर, पुराने लोग हैं। अच्छा, हो सकता है उन्होंने अपने प्रोफाइल फोटो बदल दिए हैं। हाँ, ये हो सकता है सर। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करूंगा और आप लोग इसके साथ साथ पहले एक यात्रा कर लीजिए। मैं थोड़ा कम बोलूंगा इस प्रेजेंटेशन के दौरान, तब तक कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे और जैसे जैसे जो जुड़ता चलेगा उसके साथ ये स्लाइड्स एक बार हम पूरी यात्रा करेंगे और उसके बाद में फिर सैद्धांतिक पक्षों को लूंगा कि आज की हमारी इस पूरी इकाई में क्या क्या है। ठीक है, सर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं क्या सर? हाँ सर शो नहीं हो रहा है सर। अभी आ रहा है। हाँ सर, जी सर, जी सर, अब आए। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है और आप लोग, मैं धीरे धीरे चलूंगा एक स्लाइड में 1-2 सेकंड, और आप उसके जो शीर्षक हैं उनको थोड़ा पढ़ते चलिए और पढ़ने के साथ साथ फिर आप देखते चलिए कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो हम इसके बाद फिर लेंगे। एक बार हम इसको पहले पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आपकी इस यूनिट का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग मैंने कोशिश की है कि उसके मोटे मोटे तौर पर इसमें सारे बिंदु आ जाएं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाते हैं तो हम इसके बाद में उसको आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारी आज की मीटिंग गूगल मीट पर है ना? जी सर, जी सर, गूगल मीट। मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है? जी सर, पहला स्लाइड दिख रहा है जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी वाली है, जो स्लाइड है, पहली स्लाइड अभी दिख रही है सर। हाँ, ये पहली स्लाइड अभी सब लोगों को दिख रही है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी। जी सर, दिख रही है, क्लियर दिख रही है सर। ये आप मिला, दूसरा मिला। जी सर, प्रस्तावना सूचना पर। हाँ सर, तो ये जो है, ये आपके हमारा आज का जो पाठ्यक्रम है, जो उसकी चीजें हैं कि हमें इसमें क्या-क्या जानना है। तो पहली चीज, प्रस्तावना के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के कारक और विभिन्न घटक, यूनिकोड क्या है, यूनिकोड और ASCII के बीच में अंतर क्या है, देवनागरी लिपि में यूनिकोड की विशेषताएं, यूनिकोड के प्रयोग के लाभ और इंटरनेट पर हिंदी साक्षरता, हिंदी कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग का महत्व, हिंदी में टंकण, अनुवाद के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अवदान, हिंदी चिट्ठीकारिता, चिट्ठाकारिता ब्लॉगिंग जिसको हम कहते हैं, इसका संक्षिप्त इतिहास, चिट्ठाकारिता की स्थिति, स्वयं का ब्लॉग कैसे बनाई, इस तरह की चीजों को आज हम लेंगे जल्दी जल्दी से। तो इसको पढ़ने के बाद, जैसा कि आपकी किताब का है, कि आपको क्या क्या पता लगना चाहिए, जो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर इस मेरी कक्षा के बाद, 1 घंटे के बाद, आपको लगता है कि इस बारे में आपको कुछ पूछना है, तो ये आज की कक्षा थोड़ी सी सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक ज्यादा रहेगी, जिसमें कि आप अपनी पूरी जानकारी हमसे बातचीत करते हुए चलेंगे। आप सबसे पहले, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मन, आपका मूड फ्रेश करूं, कि वो भी आप सोचेंगे अरे, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में लोग क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ यह है कि सब कुछ अंग्रेजी वालों के लिए है, ऐसा है ना? तो कंप्यूटर का अर्थ, जैसे ही हिंदी का नाम आते हैं तो लोग कहते हैं हिंदी में काम, वो भी कंप्यूटर पर, तो वो अपना सर नोचने लगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे किसी भी मुद्रा में ना आएं। कंप्यूटर अपने आप में कोई भाषा नहीं जानता, वो एक मशीन है, उसकी भाषा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं। बाइनरी लैंग्वेज ही वो समझता है जिसमें कि 0 और 1, सारे विश्व की भाषाओं को 0 और 1 में ही बदला जाता है, और कंप्यूटर उस भाषा को समझता है। कंप्यूटर न हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल कुछ नहीं समझता है। ठीक है, तो मन में से यह भाव निकालिएगा कि कंप्यूटर सिर्फ अंग्रेजी के लिए होता है, कंप्यूटर सभी भाषाओं के लिए होता है, वो तेलुगु के लिए भी होता है, तमिल के लिए भी होता है, उड़िया के लिए भी होता है, हिंदी के लिए। आम आदमी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आज जो अर्थ है वो ये सब है ना। आप सब लोग, चाहे उनको अंग्रेजी आती हो ना आती हो, लेकिन ये चीजें वो जानता है। मोबाइल उसके पास है, व्हाट्सएप उसके पास है, टेलीग्राम उसके पास है, ट्विटर उसके पास है, फेसबुक उसके पास है, इन सब चीजों से वो जुड़ा हुआ है। ये एक सूचना प्रौद्योगिकी है क्या? ये आंकड़े, यानी कि जो डाटा रिसीविंग, सूचना का संग्रह, डाटा कलेक्शन, सूचना का सुरक्षा, सिक्योरिटी, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन, ये सारी चीजें जो मैंने इसमें जल्दी से पढ़ी है, आप ये सब क्या है? ये हमारी आज के हिसाब से ये सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको पूरा कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। अब इसमें, आज इस ICT के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज की ये जो पूरे विश्व का जो आधार है, वो इस सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर टिका हुआ है, और इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन इकोनॉमी या नॉलेज इकोनॉमी भी कहते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी में ये चीजें होती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, दूरसंचार नेटवर्क होता है, कुछ आदमी होते हैं, इन सब को मिला के सूचना प्रौद्योगिकी बनती है। इसका महत्व यह है कि आज के पूरे सर्विस सेक्टर की ये जान है, और सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ हुआ कि वो सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी है, और इसने सभी को बराबर के प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया। राजभाषा हिंदी जब से ये कंप्यूटर आया है तब से जुड़ी हुई है सूचना प्रौद्योगिकी के साथ। भारत में इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, टीआई, गूगल, याहू, सैपलैब्स इंडिया, ये सब क्या है, ये सूचना प्रौद्योगिकी के वो प्लेयर हैं, वो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो भारत में हैं, और ये हैं वैसे बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल। ओरेकल और भारतीय कंपनियां भी हैं इसमें, जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, सत्यम है, ठीक है। तो ये कंपनियां हैं, और ये सब हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि ये और देशों में भी हैं, उसी तरह से और देशों की कंपनियां हमारे देशों में भी हैं। तो सूचना क्रांति या संचार क्रांति में ये हुआ कि सब कुछ बदल गया। अब आप जो थोड़े से उम्र के बच्चे हैं या थोड़े से जो और बड़े उम्र के विद्यार्थी हैं, अगर वो 40 वर्ष के हैं या 50 के हैं या 30 के हैं, अगर वो अपने बचपन को याद करें और आज के जो बच्चे हैं उनको देखें, तो दोनों के बचपन की स्मृतियों में या दोनों के बचपन के अनुभव में कितना बड़ा अंतर है। और ये सबसे बड़ा अंतर सूचना क्रांति के महत्व से ही आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही आया है। आज को आप सोचिए कि अगर आप किसी 80 साल के व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो सन 2000 में जिसकी मृत्यु हो गई हो, और अगर कोई ऐसी प्रणाली विकसित हो जाए कि हम उसे लाके आज 2020 में खड़ा कर दें, तो आज की दुनिया की इस गति को, मोबाइल को, टेलीफोन को, व्हाट्सएप को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को देख के वो कहेगा, हे भगवान, इससे तो मैं मरा हुआ ही ठीक था, मुझे जाने दो यहाँ से, ये मेरी दुनिया नहीं है जो मैंने छोड़ी थी, है ना। तो ये भाषा के ऊपर प्रौद्योगिकी में बहुत काम हुआ है। इसको आप बाद में मुझसे पूछ लेना कि ये कहाँ से आया है, ये आपकी डिजिटल हिंदी का एक पेज है जो मैंने निकाला है। इंटरनेट से जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी बिल्कुल साथ साथ हैं, क्योंकि भाषा प्रौद्योगिकी में मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच प्रोसेसिंग, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, स्पीच रिकॉग्निशन, गूगल लेंस, ओसीआर, ओसीआर कहते हैं ऑप्टिकल करेक्टेड रिकॉग्निशन को, ओएचआर ऑप्टिकल हैंडराइटिंग, शब्द साधक, संसाधक, वर्ड प्रोसेसर, वर्तनी जांचक, स्पेल चेकर, व्याकरण जांचक, ग्रामर चेकर, पार्सिंग, टैगिंग, फॉन्ट परिवर्तक, कुंजी पटल, ये सारी योजनाएं हमारी इस भाषा प्रौद्योगिकी की हैं, और ये सब हिंदी में भी हैं। ये एक हमारा मंत्रालय है जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये इस सारे प्रकरणों को देखता है। आप कहेंगे आज तो सर के लेक्चर शुरू हो गए, नहीं भाई, ये लेक्चर नहीं है, ये क्या है कि हिंदी के कामकाज करते करते आदमी सोचता है कि मैं बहुत गंभीर या टेक्नोलॉजिकल बातें नहीं करूं, ऐसा नहीं है। आज आपको, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं और नए भी लोग काफी होंगे, आपका दायित्व बनता है कि आप हिंदी और उड़िया के होते हुए भी प्रौद्योगिकी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोक्रेट बनिए। देखिए क्यों, मैंने एक नया आपको एक सी फोटो दिखा रहा हूं कि भाई आप किसी को, घोड़े को आप नदी तक ले जा तो सकते हैं, लेकिन आप उसको पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इसी तरह से मोटिवेशन है, आप किसी में चाबी तो भर सकते हैं लेकिन वो उतनी ही देर चलेगा जितनी देर चाबी रहेगी। तो ये बीच में दो स्लाइड आपको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप सेल्फ मोटिवेट बने, स्व प्रेरक बने। सदगुरु जी कहते हैं कि
कि कोई भी जो स्ट्रेस होती है ना, वो आपकी अक्षमता होती है कि आप अपने तन मन और भावनाओं के साथ एक तारतम्य नहीं बिठा पाए हैं, इसीलिए आपको स्ट्रेस है। भाषा सूचना का जो प्रौद्योगिकी का सफरनामा है, ये बहुत बड़ा है। ये 1991 यानी कि 1991 में आईआईटी कानपुर से शुरू हुआ था। मुझे गर्व है कि मैं भी आईआईटी खड़गपुर में हूँ। मेरी आईआईटी ने भी भाषा प्रौद्योगिकी के मामले में पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो 1991 से शुरू हुआ ये सफर, लगभग लगभग आज 30 वर्ष हो गए हैं। आप इसको आराम से फिर कभी पढ़ लीजिएगा। हम आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं। आपने इतना सुनते ही बहुत से लोगों के मन में आया गया हो गया कि अरे लो भैया इतना ज्ञान, अरे बाप रे बाप, अरे बाबा जगन्नाथ, अरे बचा मुझे बाबा, कहाँ जाऊं इतना ज्ञान। नहीं, आप संकालु मत बनिए, कोई चिंता मत करिए, सिर्फ जिज्ञासु रहिए। आपकी समस्त शंकाओं का और समस्याओं का समाधान आज प्रौद्योगिकी के पास है। तो राजभाषा हिंदी के साथ मैं शुरू करता हूँ इस बात को कि ये तकनीक क्या है, कि ये सारी चीज़ें यानी कि हस्तलेखन, टाइपिंग, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, ये सब अब हमारी हिंदी में इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। कोई भी चीज़ जब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आ जाती है तो फिर वह सबकी हो जाती है, सभी देशों की हो जाती है, पूरी मानव जाति की हो जाती है। इसी तरह से ये तकनीक जो है, अब वो किसी एक वर्ग, एक देश, एक भाषा की नहीं रह गई है, ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय है। वसुधैवम कुटुंबकम तो वैसे भी हमारे भारतवर्ष का सिद्धांत रहा है। आधुनिक तकनीक में जो जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसमें है कि कंप्यूटर का जो परिचय होता है, विंडोज क्या है, मानक भाषा यूनिकोड क्या है, नोटपैड क्या है, वर्डपैड क्या है, फॉन्ट और टाइपिंग संबंधी समस्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण, पहले आप दो ही मान लीजिए, एक तो होता है उसका सॉफ्टवेयर और एक होता है उसका हार्डवेयर, ये आप जानते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है उसका हार्डवेयर, जो हमको मशीन दिखती है, कोई भी जो हमको दिखाई दे रहा है वो हार्डवेयर है, और जो जिससे वो चल रहा है, जिन ऑर्डर्स को वो अंदर अंदर जो क्रमादेशक जो है वो उनसे जो काम करा रहा है, जिसके ऊपर वो चल रहा है, वो उसका सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम व्यक्ति हैं लेकिन हमारा मस्तिष्क हमें चला रहा है, हमारे भाव विचार हमें चला रहे हैं, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हमारा, ये हमारा हार्डवेयर है और इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर। यूनिकोड क्या है कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान की गई। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया में हर भाषा के हर अक्षर के लिए एक स्पेसिफिक कोड, यूनिकोड का अर्थ ही ये है, यूनिक कोड, यूनिक यानी अद्वितीय, वैसा दूसरा कोई नहीं है। कंप्यूटर पर हम कोई भी भाषा इसी में सक्रिय कर सकते हैं, गूगल इनपुट के माध्यम से, देवनागरी इनस्क्रिप्ट के माध्यम से। हम इसी कंप्यूटर पर आपको आपकी उड़िया में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में वार्ता अपना संभव है, संदेशों का आदान प्रदान और टंकण। हिंदी में पहले बहुत सी फॉन्ट की समस्याएं होती थी कि जब आप कोई सामग्री इधर से उधर इंटरनेट पर भेजते थे तो वहां जाके वो डब्बे डब्बे बन जाती थी। यूनिकोड ने उस समस्या का समाधान कर दिया है। अब तकनीक से क्या हुआ है, ये एक आप देखिए कि सुपर 30 के जो आनंद कुमार जी हैं, एक बार वो हमसे बोले कि सर तकनीक का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि अब राजा का बेटा राजा होगा ये जरूरी नहीं है, अब कोई भी राजा हो सकता है। तो आप देखिए कि पिछले 10-20 वर्षों में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े पैसे वाले या सफल व्यक्ति के ही बेटे बेटी ही सफल हो रहे हों। ये अब ये मिथक टूट गया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय प्रौद्योगिकी को जाता है, टेक्नोलॉजी को जाता है। ये हमारे कुंजी पटल हैं, मैंने इनको इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल नीचे वाला जो है वो
ऊपर वाला इनस्क्रिप्ट का कुंजी पटल है और नीचे वाला माध्यम के लिए है। ये मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इससे पहले हो सकता है कुछ लोग जानते हों कि हमारे कामकाज में रेमिंगटन, गोदरेज ये टाइपराइटर हुआ करते थे, है ना। ये उस समय बहुत गहरे गहरे दबा के टाइप करना होता था, कागज़ लगाते थे, उसके पीछे कार्बन लगाते थे, फिर एक बार में तीन मैक अधिक से अधिक तीन या चार उसकी प्रति बनती थी, फिर उनको एक गैस्टनर होता था, उसका पहले साइक्लो स्टाइल काटते थे, फिर गैस्टनर में उसकी बहुत सारी प्रतियां बनती थी। अब वो चीज़ों को अगर हम कभी आपको दिखाने भी लगेंगे तो लगेगा ये पता नहीं कौन से आदम युग की कहानी बता रहे हैं। तो ये यूनिकोड आने के बाद उन सब चीज़ों में और कंप्यूटर की क्रांति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि यूनिकोड पूरी देश दुनियाओं में पूरी दुनियाओं में पूरी दुनिया में समस्त देशों में जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने वाली, उन सभी ने इस यूनिकोड को स्वीकार किया है। तो यूनिकोड अब सब जगह है और सबका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये यूनिकोड कोई भी सरकारी संस्था नहीं है, ये यूनिकोड कंसोर्टियम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, unicode.org। आपको एक और गर्व की चीज है उड़ीसा के लिए और आप लोगों के लिए कि हमारे उड़ीसा के एक हमारे बहुत वरिष्ठ मित्र और विशेषज्ञ श्री हरिराम भंसारी जी, जो पहले नालको में सीनियर मैनेजर थे, वे यूनिकोड कंसोर्टियम इंटरनेशनल कंसोर्टियम के मेंबर रहे हैं। यूनिकोड को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये यूनिकोड क्या है ये आप समझ लीजिए, पहली बात कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई फॉन्ट नहीं है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है पूरे वैश्विक कंप्यूटरों के लिए, मोबाइल के लिए। और इसकी विशेषता ये है कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर उतना ही आसानी से काम हो गया इसकी वजह से जितना अंग्रेजी से होता है। यूनिकोड हिंदी में भी आया तो इससे बड़ा आनंद रहा, हम लोग जैसे हिंदी काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा आनंद रहा कि पहले कृति देव है, नारद है वगैरह वगैरह, एक करीब करीब 400 450 फॉन्ट हुआ करते थे, उनमें काम करो, फिर उसको अगर कहीं भेजना है किसी को, पेन ड्राइव में अगर आपने वो फाइल दी तो फिर वो उसके पेन ड्राइव को लेके जो आदमी गया है उसकी फाइल उसके कंप्यूटर में नहीं खुलती थी, क्यों, क्योंकि उसके कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं होता था, फिर लौट के आता था कि भाई मुझे वो फॉन्ट दीजिए। तो बहुत सी समस्याएं थी, यूनिकोड के आने के बाद ये समस्याएं समाप्त हो गई। इंडिक आईएमई इनपुट, इसमें 6 प्रकार के हमारे कीबोर्ड होते हैं, हिंदी ट्रांसलिटरेशन यानी कि जैसे आप जो बोल रहे हैं रोमन में वही दबाएंगे, जैसे आपका नाम है पूजा तो PUJA पूजा आप लिखेंगे दबाएंगे अंग्रेजी वाले PUJA, लेकिन वो टाइप होगा सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा हिंदी में। तो रेमिंगटन कीबोर्ड है, टाइपराइटर है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, वेब दुनिया कीबोर्ड है, एंग्लो नागरी कीबोर्ड है, बहुत सारे और भी हैं, मैं उनके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप क्या करेंगे कि आप मेरी सलाह माने तो एक हफ्ते भर के लिए आप अपने आप को आधा आधा घंटा दीजिए और स्पर्श.com से या वालेंदु.com से, स्पर्श आप एक हिंदी ट्यूटर है, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, और वो आप करके आराम से आप एक हफ्ते भर में हिंदी की अच्छी टाइपिंग सीख जाएंगे। तो जो भी आपके ये आपको नोट्स बनाने हैं, जो प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें भी आप अपने काम अपने हाथों ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको एक एक्टिवेशन करना होता है। आप ध्यान में रखिएगा कि यूनिकोड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको डाउनलोड करना है, यूनिकोड आपके ही सिस्टम में, आपके ही लैपटॉप में, आपके ही पीसी में, उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है। ये बहुत सी यूनिकोड से संबंधित वेबसाइट हैं, बहुत अच्छी, आप इनमें कभी जाइएगा। टेक्नोलॉजी और भारतीय भाषाओं में बहुत सारा विकास सरकार ने किया है, ये उसका एक छोटा सा नमूना मैंने आपको दिया है। TDIL के नाम से ये बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत सारे
सरकारी गैर सरकारी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं हिंदी और भारतीय प्रौद्योगिकी को लेके। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है subkos.com। ये हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही शब्दों को आप इसमें अर्थ देख सकते हैं। ये भारत सरकार का एक गृह मंत्रालय का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, और उसके अंतर्गत आता है CSTT, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसको हम कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो उसकी ये ई महाशब्दकोश है, इसका भी आप उपयोग अनुवाद इत्यादि करते समय कर सकते हैं। ये और कुछ वेबसाइट्स के पते दिए गए हैं। ये कुछ डिक्शनरीज को मैंने आपके लिए रखा है कि आप यहाँ से, बहुत सारी ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा कि इसमें एक चीज है कि हम हिंदी या अपनी मातृभाषा को क्यों अपनाएं। तो आप जरा 2 मिनट इस वीडियो को देखिए कि वो क्यों जरूरी है, मातृभाषा या हिंदी क्यों आवश्यक है। आ गई, भूख लगी है? कौन व्रत है? सुनिए पंखी वाली कहानी, तुम परियों की रानी हो। मेरे बस्ते की जेब में रखी चॉकलेट जैसी मीठी कहानी हो। वो कर लो खाना खा लो, दिन भर कह कह के सताती हो। कल कल कर सुन बात, तुम रात को किसी किसी कराती हो। हैप्पी मदर डे अम्मी। ये तुमने लिखा है? वाह मेरी नन्ही शायरा। अच्छा बताओ, आज इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना? मैडम ने मैथ्स में 45 out of 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी मुनीजा तो काफी होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें मुझे अपना सपना लिखना था अंग्रेजी में। तो मुनीजा, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो, लिखा क्यों नहीं? दुनिया में अंग्रेजी सपने नहीं आते, मेरे सपने में सिर्फ तुम होती हो। अबू होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, रब्बी की नदियाँ होती हैं, चूड़ी के झूले होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, चिनार परियां भी होती हैं, कभी कभी नाना नानी आती है। पर तुम ही बताओ, तुम कौन बात करते हो अंग्रेजी में? हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, हमारे सभी को तो अपनी जबान में रहने दो। मातृभाषा नींव होती है, नींव मजबूत होगी तो मुश्किल से मुश्किल सबक भी आसान हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी जबान सिखाइए, उन्हें अपनी मातृभाषा में किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो ये छोटा सा एक वीडियो था आप सबके लिए कि हमें मातृभाषा और हिंदी का क्यों इतना ध्यान रखना है कि ये हमारी नींव होती है। और इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में
कोई भी भाषा अछूती और उपेक्षित नहीं है, इसने सब भाषाओं को एक जगह लाके खड़ा कर दिया है और आप कोई भी काम किसी भी भाषा में कर सकते हैं। अब इसमें एक आएगा हिंदी ब्लॉगिंग का कि आप कैसे हिंदी ब्लॉगिंग बनाएंगे, तो ये बहुत सारे लोग आज 7 अरब देश लोग हैं और उनमें से करीब 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 आधी करीब संख्या पहुंच गई है अब जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और भारत दुनिया का अब शायद चौथा या तीसरा भी हो गया होगा कि सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग होता है। अब देखिए, पहले के दौर में जो किताबें थीं, जो बच्चों की किताबें थीं, सरस सलिल वगैरह, ये अब रेडियो था, अब वो सब कहाँ गए? अब हर एक के हाथ में एक फोन है, हर एक के हाथ में एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें कि वो ऊपर नीचे अंगूठा करता रहता है। उसी के लिए, उसी तकनीक से समृद्ध होके अब व्यक्ति जो पहले अखबारों को चिट्ठियां भेजते थे, अखबारों को लेख आलेख भेजते थे, अब वो भी बाध्यता खत्म हो गई और हर व्यक्ति अपना एक ब्लॉग बनाने लगा, चिट्ठाकारी, यानी कि अपनी रचनाओं को इंटरनेट पे स्वयं लिखना, संपादित करना, प्रकाशित करना। ब्लॉग में सबसे पहले 1997 में ये तैयार हुआ था, पीटर महरलेज ने सबसे पहले ब्लॉग जो है छोटा शब्द है वेव लॉग का, तो इसको इन्होंने वेव लॉग जो नाम दिया था उसको बाद में ब्लॉग रह गया, और इसमें फिर इसको ब्लॉगर सेवा को गूगल ने खरीद लिया। हिंदी ब्लॉगिंग में सबसे पहले विनय जैन ने एक अंग्रेजी ब्लॉग हिंदी पर, हिंदी में 19 अक्टूबर 2002 में लिखा था, और उसके बाद आलोक पौराणिक ने एक ब्लॉग बनाया 9/2/11, ये शुरुआती तौर पर बनाए हुए ब्लॉग हैं। हिंदी ब्लॉग में आलोक ने लिखा चलो ब्लॉग बन गया है, और इन स्क्रिप्ट पे लिख नहीं पा रहे थे इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा था 9/2/11, और 9/2/11 को अंकों में लिखा था। ये ब्लॉग की विशेषताएं होती हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसी से कोई आज्ञा मांगे कि भाई मेरी चीज प्रकाशित कर दो, मेरी कहानी, मेरा लेख, आप आराम से खुद ही टाइप कर सकते हैं, खुद ही उसको एडिट कर सकते हैं, खुद ही उसको पब्लिश कर सकते हैं, बाद में उसको और संशोधित कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं आप इस काम को, लोग अपने पीसी में, लैपटॉप में, मोबाइल में, कोई बंधन नहीं है। पाठक आपको टिप्पणी सीधे सीधे भेजता है, आप लिखना पढ़ना सीखते हैं, सृजनात्मक काम सीखते हैं। कुछ नुकसान भी हैं ब्लॉगिंग के। हिंदी में ब्लॉग बनाना आसान है, कैसे हिंदी ब्लॉग बनाएंगे तो आप सबसे पहले गूगल की ब्लॉग सेवा में जाएंगे, ब्लॉगर वहाँ पर एक सीधे हाथ पे मिलेगा आपको, www.blogger.com में जाइए, यहाँ पर आपको अपना एक गूगल गूगल का खाता होना चाहिए, स्टार्ट कर क्लिक करें, कुछ कुछ जो जो आते चलेंगे ब्लॉग बनाएं, जो जो स्टेप्स आते चलेंगे वहाँ पर आप उन उन प्रश्नों का उत्तर देते चलें, और वो इस तरह से आपका एक खाता बन जाएगा और इस तरह से आपका ये एक ब्लॉगर जैसे बी बना हुआ है। इसके बाद आपके खाते के साथ आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल पते के बाद आपका ये इस तरह से हर चीज़ को आप अपना बनाते चलें, पासवर्ड डालते चलें, किस किस नाम से आप ब्लॉग चाहते हैं वो नाम आप उसमें डाल दें, जैसे मेरे ब्लॉग का नाम है मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन मुझे ही अच्छा लगा, बड़े बड़े अजीब अजीब नाम आपको ब्लॉगों के मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस ब्लॉग को नाम दे देंगे आप जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं कि क्या नाम दूं, एक नाटक है, व्हाट इज इन नेम, तो इस तरह से कोई एक फोटो आप उसमें चुन सकते हैं कौन सा उसमें लगाना है आपको, और ये आपका ब्लॉग बन जाएगा। इस तरह से आप ब्लॉग अपना लिखना प्रारंभ कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप उसमें अलग से एक पेज पर लिख सकते हैं, उसको आके आप यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, सीधे भी आप उसमें लिख सकते हैं, और ये आपका सीधा सीधा एक ब्लॉग का पेज बन जाएगा, और ये आप कोई भी प्लेटफॉर्म करें बरह में लिख सकते हैं, ट्रांसलेटर्स में लिख सकते हैं, यूनिकोड में लिख सकते हैं, और ये आपका ब्लॉग सफलतापूर्वक बन गया, और ये
बहुत सारे रूपों में चलता है, चिट्ठाकारी, माइक्रो ब्लॉगिंग भी, वीडियो ब्लॉग भी बनता है, पॉडकास्टिंग, फोटो ब्लॉग, इंक ब्लॉगिंग, स्केच ब्लॉगिंग, सभी ब्लॉगिंग के ही रूप हैं। और कैसे कैसे नाम लोगों ने रखे हुए हैं, अजदक, मोहल्ला, नई सड़क, भड़ास, बोल हल्ला, टिप्पणीकार, शब्दों का सफर, बेटियों का ब्लॉग, निंदा पुराण, वाह मीडिया, गाये बगाए, काकेस की कतरन, फुर्सतिया, निठल्ला चिंतन, टूटी बिखरी रेजगे वाणी, नुक्ता चीनी, चौंच में आकाश, ये सब हैं। बहुत सारे लोगों को आप जान जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग हैं इसमें टेक्नोलॉजी के संबंधित भी बहुत अच्छे ब्लॉग हैं। आपके डॉक्टर राकेश शर्मा जी का ब्लॉग है, फुर्सतिया अनूप शुक्ला जी का ब्लॉग है, अच्छे व्यंग लिखते हैं, ठीक है, टिप्पणीकार है, रचनाकार है, ये बहुत अच्छे लोग हैं जो कि हिंदी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को, लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। आप इनसे संपर्क भी सीधा सीधा कर सकते हैं। ये फीड आधारित ये ब्लॉग बहुत सारे हैं, आप जरूर दो एक ब्लॉग को चुनिए और आप वहाँ से जानकारी लीजिए, अपना भी ब्लॉग बनाइए। बहुत से ब्लॉग राजनीति की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, चिट्ठा जगत है, धड़ाधड़ महाराज है, ये एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, आप इसको सभी नोट कर लीजिएगा। हमारे एक डिप्टी डायरेक्टर है अजय मलिक जी, hindiforyou.blogspot.com, इसको मैंने इसीलिए इस स्लाइड में रखा है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि इसमें हिंदी से संबंधित बहुत सी जानकारी जो आपको मिलेंगी। देखिए ये हिंदी को यूनिकोड एवं कंप्यूटर में हिंदी, ये बहुत सी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। hindiforyou.blogspot.com ये ब्लॉग वाणी है, मौज दर मौज, सीता की दुविधा, राम कथा का नया रूप, हर तरह के ब्लॉग आपको मिलेंगे। ये रचनाकार है रविशंकर श्रीवास्तव जी का, बहुत अच्छा ब्लॉग है, इसमें हिंदी और हिंदी प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए बहुत सारे तत्व आपको मिलेंगे। बहुत सारे प्रतिवास, उपयोगी गूगल पुस्तकें, ये बच्चन जी ने एक ब्लॉग बनाया, बिग बी का अड्डा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उनके पिताजी की पंक्तियां हैं। तो मेरा कहना यह है कि शुरुआत करिए, आपका भी ब्लॉग बन सकता है, किसी को काटिए मत जिस डाल पर आप बैठे हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, इसलिए कि आज के दौर में अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश हम जो प्रौद्योगिकी हमारे हाथ में है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सारे दिन व्यस्त हैं, लेकिन आप रात को सोच के देखिए, आपने सारे दिन 2000 मैसेज, 2000 जोक्स, 2000 चुटकुले, वीडियो इधर से उधर किए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, पढ़ा एक भी नहीं पढ़ा पूरा, आपके पास आया तुरंत आपने फेंक दिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो आप क्या कर रहे हैं, आप 2400 घंटे में 16-17 घंटे व्यस्त भी रहे, आपने आंखें भी मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में गढ़ाई, आप व्यस्त भी रहे, किंतु आपको मिला कुछ नहीं, आपने पाया कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया। आप लगभग ऐसे रहे कि आप सारे दिन रेलवे स्टेशन पर बैठ गए और आती जाती गाड़ियों को आप हाथ दिखाते रहे, ना गाड़ी आपके हाथ दिखाने से रुक रही थी, ना हाथ दिखाने से जा रही थी, लेकिन आपने ऐसे अपने आप को व्यस्त रखा और रात को थक के जाके आप सो गए, आपको कुछ नहीं मिला। तो मेरा निवेदन मेरे सभी विद्यार्थियों से कि शुरुआत करिए, कुछ अच्छा लिखना पढ़ना शुरू करिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति को ध्यान से सुनने, समझने, देखने के लिए। तो अभिषेक जी, जी सर, मेरी प्रस्तुति समाप्त हुई, बिल्कुल सर, और आपके विद्यार्थी भी काफी जुड़ गए। जी 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 सर, तो इसीलिए मैंने आज प्रस्तुति वाला काम पहले किया कि जिससे और लोग आते जाते रहे। प्रस्तुति के आधार पर आपके जो भी सवाल हों, आप उनको अपने वार्ता बक्स में लिखिएगा, हम उनको लेंगे। अब मैं सैद्धांतिक पक्ष आपको आज की इस पूरी इकाई का
थोड़ा सा लेता हूं कि हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी सैद्धांतिक पक्ष में वैसे अब बहुत कुछ नहीं बचेगा क्योंकि प्रस्तुति में लगभग लगभग सारी चीजें आई हैं। हाँ, इंडिक लेआउट क्या होता है? इंडिक लेआउट अभी हम प्रश्न थोड़ा बाद में ले लेंगे, हम आपका आपको पूरा समय देंगे। आप अभिषेक जी सवाल नोट कर लीजिएगा। जी सर, जी सर, तो मैं थोड़ा थोड़ा सिद्धांत के बारे में और बता दूं कि आज की इस इकाई में क्या क्या और बचता है। तो इनमें आज बचेगा, आप देखिए, हमने आपको जो बताया सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताया, वो एक सिद्धांत की बात थी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। ये सारी की सारी सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ ये है कि जो भी आज सारा संसार चल रहा है ये सूचना प्रौद्योगिकी से ही चल रहा है, और सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमी ये सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर ही चल रही है। अब आपने आज के दौर में कुछ नए शब्द सुने होंगे, जैसे आपने सुना अर्धचालक प्रौद्योगिकी, अर्धचालक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, कुछ लोग आप में वो भी होंगे जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने विज्ञान अपना पढ़ा होगा, जो विज्ञान का उनको 10th तक या 12th तक का अनुभव रहा होगा, तो उन सब लोगों को ये जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यानी कि जो वायर है, जो तार है, जैसे पहले तार से सिर्फ बिजली आती थी, तार से टेलीफोन की ध्वनि तरंगें आती थी, विद्युत तरंगें बिजली की आती थी, अब उन्हीं के बीच में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ली गई, जिस जो कि आज आपके व्हाट्सएप में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में वीडियो लेके आ रही है, फोटो लेके आ रही है, साउंड लेके आ रही है, सब कुछ लेके आ रही है। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति बन गए, बहुत बड़ी प्रगति यात्रा इस नई प्रौद्योगिकी ने शुरू की। और इससे क्या हुआ कि जो चीजें पहले महीनों में होती थी वो दिनों में होने लगी, और जो दिनों में होती थी वो घंटों में होने लगी, जो घंटों में होती थी वो मिनट्स में होने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर प्रौद्योगिकी का आया। अब क्या हुआ, सूचना भंडारण। सूचना भंडारण क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन रिजर्वियर। अब आप देखिए कि अगर आप आज अपने मोबाइल फोन को खोलें और उसकी गैलरी में जाएं, तो आपको हजारों हजारों वीडियो फोटो मिल जाएंगे। तो मैं तो अभी पिछले दिनों किसी मित्र से इस मजाक में कह रहा था कि आज के इस दौर में हो क्या गया है, किसी ने भेजा था कि आज के इस दौर में क्या हो गया है कि हम लोग जो भी अच्छी स्मृति होती है, जो अच्छी सूचना होती है, उसको तो तुरंत हम व्हाट्सएप में या लैपटॉप में डाल देते हैं, और जित जो भी कोई खराब होता है उसको दिमाग में रखते हैं, दिल में रखते हैं। किसी ने हमसे कोई एक शब्द कह दिया, हम उसको जीवन भर नहीं भूलेंगे, और उसने हमको कितना अच्छी तरह से डील किया था, जैसे माँ की ही बात ले लीजिए, पिताजी की बात ले लीजिए, भाई की बात ले लीजिए, उन्होंने बचपन से लेके आज तक आपको जो कुछ अच्छा बताया, अच्छी तरह पाला पोसा, वो आपको सब भूल जाएंगे अगर उन्होंने एक चीज बुरा कर दी। तो प्रौद्योगिकी के इस युग में ये भी एक खतरनाक दौर आ गया है कि हम बुरी चीजों को तो तुरंत उनके ऊपर प्रतिक्रिया दे देते हैं, और अच्छी चीजों को हम लैपटॉप में, मोबाइल में, हार्ड डिस्क में डाल देते हैं, पेन ड्राइव में डाल देते हैं, फिर कभी देखेंगे, कभी समय नहीं मिलेगा आपको। आप अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव उठा के देखिए, आपके पास इतनी इतनी सामग्री है कि अगर आप अगले साल 2 साल कोई नया काम न करें
तो आप उनको एक बार दोबारा देख नहीं सकते। फोटो, इतने फोटो और इतनी वीडियो, इतने चुटकुले आपके फोन में, लैपटॉप में भरे हुए हैं। तो ये जो सूचना भंडारण है, आंकड़ा भंडारण, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, ये उसका नकारात्मक पक्ष मैंने आपको बताया है। तो इसमें होता क्या है कि अब पैकेट्स हो गए, बाइट्स हो गए, बिट्स हो गए। उससे क्या हुआ कि वो जो पहले एक किताब इतनी मोटी आती थी, अब वो किताब 28 KB की हो गई और आपने वो PDF करके अपने लैपटॉप में रख ली, लेकिन पढ़ नहीं रहे आप। इसका कोई लाभ नहीं, इसका कोई विशेष लाभ नहीं। आप उसको पढ़िए, उसके साथ जब आप पढ़ेंगे उस किताब को, तभी वो लाभप्रद है। वो किताब लैपटॉप में रखी हुई, मोबाइल में रखी हुई किताब लाभप्रद नहीं है। वो किताब तब लाभप्रद है जब आप उसको पढ़ेंगे। तो ये जो सूचना भंडारण है, इसके बारे में मैंने बताया कि इसका प्रयोग सोच समझ के करना है कि ये हमारे लिए वजन न बने। नेटवर्किंग आप जानते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर चलती है। प्रकाशीय तंतु उसे कहते हैं, छोटे छोटे जो फाइबर, फाइबर के साथ आप फाइबर केबल्स आपने देखी होंगी अपने घर के बाहर में, या जहां आपका नेट आता है, या जहां इंटरनेट की ये टावर लगी हुई हैं, उनके नीचे बहुत मोटी मोटी केबल जो जमीन में बिठाई गई है, OFCs को कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो उन फाइबर केबल से आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको इंटरनेट देते हैं, और जो टावर्स हैं वहां से वो वाइब्रेशंस कन्वर्शन के साथ आपके मोबाइल फोन में एक रिसीवर है, या वाईफाई एडाप्टर में एक रिसीवर है, वो उसको कैच करता है। बड़ी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक विषय है, जो कि अभी हमारे आज के विषय में इसलिए हम उसको नहीं लेंगे कि एक तो वो है नहीं यहाँ का, और दूसरी चीज वो फिर टोटली टेक्निकल चीज है, उसको हम टेक्निकल क्लासेस में तो ले सकते हैं, आज के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप उसको थोड़ा सा ही समझिए कि नेटवर्किंग का अर्थ ये है कि आपका कंप्यूटर किसी और का कंप्यूटर और बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक जाल में किसी रूप में कनेक्टेड है। आपने गूगल को बोला हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, गूगल ने उसका जो एक्सप्लोरर सर्च इंजन है हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग नाम से कोई वीडियो, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आर्टिकल, कोई भी इंफॉर्मेशन जिन लोगों ने अपने इंटरनेट वेबसाइट्स पर या अपनी अपने कंप्यूटर को अलाउ किया हुआ था कि इन इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जा सकता है, सर्च इंजन वहां तक पहुंच के उस इंफॉर्मेशन को लेके फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके सामने 200-500 उन्होंने सर्च रिजल्ट्स दे दिए। तो ये नेटवर्किंग, आप अपना भी नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे कि आपके अपने ग्रुप में अपने 350 250 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आपका नेटवर्क है। आप कितने लोगों को जानते हैं, वो आपका नेटवर्क है। यही काम जब टेक्नोलॉजी करती है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर होता है, तो वो टेक्नोलॉजी नेटवर्क है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मैंने जैसा कि भी कहा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें हैं। हार्डवेयर ये चीज जिसको कि हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर इसको चला रहा है, जो इसको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स देता है, एंड वो इसको जो चला रहा है वो इसका सॉफ्टवेयर है। इसके क्या क्या लाभ हुए मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे लाभ हुए। सूचना प्रौद्योगिकी से पूरी देश दुनिया की स्थिति बदल गई, और यूनिकोड के आने के बाद जो हमारे कंप्यूटिंग में जो थोड़ी सी समस्याएं थी उसमें भी समाधान हुआ, कि जो पहले हम भेजते थे कहीं, कोई इंटरनेट पर जो चीज़ हम अपलोड करते थे, कोई मेल भेजते थे, कोई इंफॉर्मेशन भेजते थे, कोई PPT भेजते थे, वो फॉन्ट वहां जाके करप्ट हो जाते थे, बिखर जाते थे, या बॉक्स बॉक्स बन जाते थे। तो अब क्या हुआ कि यूनिकोड आया, यूनिकोड यानी कि यूनिफॉर्म
यूनिक कोडिफिकेशन, और यूनिकोड आने के बाद वो समस्या दूर हो गई जो पहले ASCII के बीच में होती थी। ASCII में क्या होता था, जो मैंने अभी समस्या बताई वो ASCII की थी। यूनिकोड आने के बाद यूनिकोड 16 बिट इनकोडिंग का प्रयोग करने लगा। 16 बिट इनकोडिंग का मतलब हुआ कि 65,000 से अधिक जो करेक्टर्स हैं उनके लिए एक यूनिक कोडिंग कर दी गई। उदाहरण के लिए क, अब क को उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि 010 मान लिया, एक कोड दिया गया, तो अब 010 पूरे विश्व में किसी करेक्टर को 010 नहीं दिया जाएगा। बात समझ आई? तो अब इस क को जब आप अपने कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो ये आपने तो क दबाया लेकिन कंप्यूटर की भाषा में वो 010 है। तो इसको जहां आप चाहे इंग्लैंड में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे न्यूजीलैंड में, चाहे अमेरिका में, जहां भी ईमेल भेजेंगे, जिस किसी भी पेन ड्राइव में रखेंगे, ये क क ही रहेगा। ये इसका फायदा। तो ASCII में जो अंतर हुआ यूनिकोड से, क्या हुआ कि यूनिकोड 16 बिट इनकोडिंग का प्रयोग करता है जिसमें 65,000 से ज्यादा करेक्टरों के लिए कोड पॉइंट बन गए, उनको एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया, और ये सभी भाषाओं में हुआ, विश्व की सभी भाषाओं के लिए, सभी भाषाएं, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश के लिए नहीं, विश्व की सभी भाषाएं लगभग इसमें हैं। और जो हमारा ASCII जो कोडिंग थी वो थी 8 बिट्स के ऊपर थी, जो 7 बिट थी वो ASCII थी। उनमें क्या होता था कि एक करेक्टर की कोडिंग दूसरी करेक्टर से ओवरलैप कर जाती थी, यानी हिंदी का क हो सकता है उड़िया के ह जैसा होता हो या चाइना के भ जैसा होता हो, तो वो ओवरलैपिंग की समस्या जो ASCII कोडिंग थी वो 7 बिट की थी। उसके अगले एक चरण में SCII हुई, वो 8 बिट की हुई, और अब जो है यूनिकोड है जो कि 16 बिट है, और ये अभी 10 भारतीय लिपियों के लिए उपलब्ध है, कम से कम 10, या जो कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, और कंप्यूटर सक्षम है सभी भाषाओं की जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक यों की त्यों पहुंचाने के लिए। और अब वो करप्शन नहीं होगा कि कहीं आप कुछ भेजें और डब्बा डब्बा बन गया। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेतों में जो काम हमारा बड़ा यूनिकोड के आने के बाद, इससे फायदा ये हुआ कि अब चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जगह हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप डाटा का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ डाटा बड़े आसानी से कर सकते हैं, और वह अब डाटा खराब नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा। मैंने देवनागरी में आपको बताया कि यूनिकोड की क्या विशेषताएं हैं। देवनागरी के यूनिकोड में जो परास है, जो उसकी रेंज है, वो 0900 से 097F तक है, यानी ये सभी 16 बिट में आपको सारे जो हमारे करेक्टर्स हैं उनकी कोडिंग होती है। छ त्र ग्य, ये जो हमारे संयुक्त अक्षर हैं, इनके लिए अलग से कोई कोड नहीं बना। छ जो है
वो KSH है ना, छ, इसी से त, त्र, त और र है। ज्ञ असल में वो ज्ञ नहीं है, वो ज्ञ है। ज्ञ हम लोग बोलते जरूर हैं ज्ञानी, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी है। ज्ञ आधा ज्ञ है। तो इनके लिए अलग से कोई कोड नहीं है, ये अलग से पूरे के पूरे करेक्टर रख दिए गए हैं। आप उनको दबाएंगे तो वो एज इज टाइप हो जाएंगे। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि सामान्यतया हिंदी में नहीं होती हैं, लेकिन वो हिंदी से जो हिंदी की सहोदरी भाषाएं हैं, लिपियां हैं, जैसे मराठी है, सिंधी है, मलयालम है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं, उनके लिए कुछ कोड उसमें रखे गए हैं। ऐसे वर्णों के लिए भी यूनिकोड में इसी रेंज में 0900 से 097F तक के बीच में दिए गए। नुक्ता वाले जो वर्ण हैं उनके लिए अगर आप देवनागरी इनस्क्रिप्ट सीखेंगे, देवनागरी इनस्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको, कि देवनागरी इनस्क्रिप्ट यूनिकोड हमारे सिस्टम में है, किसी भी सिस्टम में। देवनागरी इनस्क्रिप्ट क्या है, ये कीबोर्ड का एक प्रकार है। जब आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहां पर एक मिलेगा आपको रीजनल एंड लैंग्वेजेस, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करके आपको मिलेगा इनपुट मेथड कीबोर्ड, कीबोर्ड में हिंदी, हिंदी में कीबोर्ड, कीबोर्ड में देवनागरी इनस्क्रिप्ट। उस कीबोर्ड को लेने से आपको ऐसा कीबोर्ड मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या लाभ है कि इसका जो निर्माण है बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ है, कि बाएं हाथ पर सारे स्वर हैं अ आ ए ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ङ, और दाएं हाथ पर सभी व्यंजन हैं, और इनको सीखना बहुत आसान है। जिस की के नीचे जो स्वर है उसकी मात्रा भी वहीं पर है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो देवनागरी के यूनिकोड चिन्हों के लिए आप एक, आपकी ये जो किताब है उसमें पेज नंबर 8 पर एक चार्ट दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि वो परीक्षा के हिसाब से उसमें से शायद ही कभी कुछ आता होगा, लेकिन आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कि हर एक के लिए एक अलग अलग कोड दिया गया है। पहले जो 16 बिट में काम चल गया था, फिर वो भी थोड़ा अपर्याप्त होने लगा। ये तो मत्स्य अवतार से दुनिया चल रही है ना, कि पहले मछली छोटे से कमंडल में आ गई, फिर घड़े में भी आ गई, वो विस्तार करती गई, फिर महासागर में छोड़ना पड़ा। तो पहले कहाँ हमारा 7 बिट में काम चल गया था, फिर 8 बिट में चला, फिर 16 में गए, फिर नहीं काम चला, तो फिर हमको 32 बिट में आना पड़ा। और अभी लगभग 32 बिट में दुनिया के सभी संकेतों के लिए कोई ना कोई जगह बन गई है। अब यूनिकोड के 3 रूप हैं फिलहाल में, एक है UTF-8, एक है UTF-16, एक है UTF-32। मैं समझता हूं कि अगर आप आज के दिन में अगर सीखना ही चाहें और जानना चाहें तो सिर्फ ये जान लीजिए कि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। पहले आपको अगर कहीं मन में ये शंका ना रहे कि UTF-8, UTF-16 और UTF-32 में अंतर क्या है। देखिए, जैसे मान लिया आपके पास कोई 20 पेज का कोई एक सामग्री है, उसमें 20 पेज है। अब उसमें क्या है कि उसमें देवनागरी भी है, कुछ गणित के चिन्ह हैं, कुछ विज्ञान के चिन्ह हैं। अब जब आप देखेंगे कि जो चिन्ह है वो चिन्ह होता है, वो तो कोई भाषा नहीं है, और जो अंक है वो भी कोई भाषा नहीं है, लेकिन अगर कोई अक्षर है तो वो भाषा है। तो इनकी कोडिंग के समय में इनके आगे 0 0 लगते थे, जैसे 0 0 0 0 1 0 0 0। लेकिन अगर इनके शुरुआती 0 को हटा दिया जाए तो ये कहीं कहीं टोटल विट द्वारा भी निरूपित हो सकते थे। इसी प्रणाली को
तीन चरणों में किया गया, विस्तार होता गया, विकास होता गया, UTF-8, टू टाइप फॉन्ट्स, TTF-16 एंड UTF-32। तो आज की तारीख में क्या है कि सभी जगह लगभग लगभग सभी सिस्टम्स जो हैं, सारे के सारे सिस्टम अब UTF-32 के काम करने के योग्य हो गए हैं। बल्कि अभी तो कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट्स के भी आ रहे हैं। तो जो कंप्यूटरों का जो हार्डवेयर है, अब जो 32 बिट का है, 64 बिट का है, तो अब क्या है कि चाहे 64 बिट के कंप्यूटर में आप UTF-8 की फाइल डालें, या UTF-16 की फाइल डालें, या UTF-32 की फाइल डालें, उनको प्रोसेस करने में अब मशीनों को ज़्यादा समय लगता जरूर है, लेकिन वो प्रोसेस हो जाती है। यानी कि आप अब नए वाले कंप्यूटरों में पुरानी वाली फाइलों को भी अगर ला के देखना चाहेंगे तो वो आपको दिखेंगी। पहले क्या होता था कि पुराने वाले वर्षन की फाइल आप किसी नए कंप्यूटर में खोलना चाहते थे तो वो नहीं खुलती थी। ये बिट्स एंड बाइट्स का सिर्फ इतना सा अंतर है। तो यूनिकोड से बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जैसे कि अब XML आ गया, जावा, एक्मा, जावा स्क्रिप्ट, LDAP, कोरवा 3.0, WML, ये सब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, सैपसन है, साइबेस है, यूनिसिस है, इन सब कंपनियों ने यूनिकोड अपना लिया। तो इसके बाद इन सब चीजों से जो हमारा ISO IEC 10646, जो हमारा स्टैंडर्ड है, एक अथोराइज्ड एक स्टैंडर्ड है, उसको लागू किया जा सका। और ये सभी सिस्टम्स में, सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर समान रूप से लागू हुआ। तो अब आपके लिए ये नहीं रह गया कि आप इस कंप्यूटर में काम कर सकते हैं तो उस वाले में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही लगभग सब चीजें हैं जो इसमें है, उसमें भी लगभग वही सभी ब्राउजर्स काम करेंगे जो इसमें है। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी प्लेटफॉर्म सभी कंप्यूटरों में हैं। और इस तरह से क्या हुआ कि ये सभी चीजें विश्वव्यापी टेक्नोलॉजी बन गई, वर्ल्ड वाइड, कोई चीज किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं रह गई। तो आप, बहुत सारी वेबसाइट हैं, यूनिकोड से लाभ हुआ कि किसी वेबसाइट से कोई कॉपी करिए कोई सामग्री, उसको आके आप अपने यहाँ एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे तो वो एज इट इज पेस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह होगा कि वो गोल गोल डब्बे या चौकोर चौकोर डब्बे बन जाएंगे, अब वो यूं ही पेस्ट होगी। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी आ गई यूनिकोड से। सभी कार्य कंप्यूटर पे होने लगे तो अब आसानी होने लगी, डाटा प्रोसेसिंग होने लगा, वर्ड प्रोसेसिंग होने लगा, ईमेल हो गया, वेबसाइट का निर्माण हुआ, ये सब काम बड़े आसानी से होने लगे। हिंदी की जो फाइलें थी वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बड़ी आसानी से ट्रांसफर होने लगा उनका। ठीक है, आप हिंदी में सीधे टाइप करके भी अब आप सर्च करने लगे। आप पहले अंग्रेजी की बाध्यता नहीं रही कि आप अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी से वो हिंदी में कन्वर्ट करेगा, वो भी नहीं रहा। आप अपनी सुविधा से इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन या फोनेटिक, इन तीनों में से कोई कीबोर्ड ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इनस्क्रिप्ट देवनागरी का ही कीबोर्ड प्रयोग करना सीखें और बड़ी आसानी से आप उसको सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। तो TDIL का मैंने आपको बता दिया, rajbhasha.nic.in एक हमारी साइट है भारत सरकार की, जिसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। मैंने आपको ब्लॉग फॉर यू, हिंदी फॉर यू वाला बता दिया, हिंदी फॉर यू अजय मलिक जी का ब्लॉग है, वहां पर बहुत सी चीजें आपको, खास तौर से अपने हिंदी और राजभाषा के संबंध में बहुत सी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। आज की तारीख में आप ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। भारत सरकार का मंत्रा एक सॉफ्टवेयर है, MANTRA, मशीन ट्रांसलेशन, वो कर सकते हैं। वाचांतर है, आप बोलते जाएंगे वो टाइप होता चलेगा। गूगल वॉइस टाइपिंग है, अगर आप बोलेंगे, आपके पास जो बोलेंगे आप उसको सीधे सीधे आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं आज की इस सूचना प्रौद्योगिकी के
कारण से हमारे बीच में हैं, जिनसे कि हम बहुत सारा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये सब कैसे संभव हुआ? ये कंप्यूटर और इंटरनेट, इन दोनों ने आपस में जब से जुगलबंदी की तो पूरी दुनिया में ऐसी क्रांति आ गई कि सारी की सारी दुनिया का स्वरूप अब बदल गया। जैसे पहले आप एक डिक्शनरी लेते थे, कोई किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, डिक्शनरी लेते थे, उसमें जूझते थे, पेज पलटते थे। आज मैंने आपको शब्दकोश.com बताया, आप शब्दकोश.com का ऐप अपने मोबाइल में भी गूगल प्ले डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। आपने कोई वर्ड उसमें अपने मोबाइल में डाला, आपको उसका अर्थ मिल गया। उसका अपोजिट भी हो सकता है, आप हिंदी का भी अर्थ डाल सकते हैं, हिंदी का शब्द डाल सकते हैं, उसका आपको अंग्रेजी वर्ड भी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले कहाँ संभव थी? तो ई शब्दकोश आ गए आपके पास, ई विश्वकोश आ गए, अब आप ई पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे किंडर वर्सन हैं आपके पास, आपके पीडीएफ फाइल्स आती हैं, आप कहीं भी उसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, खोल के चौड़ा करके पढ़ सकते हैं। फिर कोई भी आप सीधे सीधे हिंदी में या उड़िया में खोज कर सकते हैं, हिंदी में ईमेल लिख सकते हैं, और बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनका लोकलाइजेशन होता है। और लोकलाइजेशन का अर्थ यह है कि वो आपके देश के लिए, आपके देश की परिस्थितियों के अनुकूल आपको काम करेंगे। आप सीधे सीधे हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं, फॉन्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, एक्सेल डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, है ना, करेक्टर्स इनकोडिंग और उनका कंप्रेशन कर सकते हैं देवनागरी में, फोनोलॉजी एंड मार्फोलॉजी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्सिकन, लेक्सिकल सीमेंटिक्स एंड वर्ड सेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्रामर्स हैं, सिंटैक्स है, आप इनको चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसका ट्रांसलेशन टेक्स्ट का वर्ड फाइल में ही यूँ कहते हुए कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें पहले कहाँ संभव थी? पहले इनका कोई संभव नहीं था। आप एडिट कर सकते हैं, आप एक भाषा से दूसरी भाषा में भाव अनुवाद कर सकते हैं, शब्द अनुवाद कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजिकल है, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो लैंग्वेजेस के, कंप्यूटेशनल साइकलो लैंग्विस्टिक्स हैं। ये सारी सारी चीज़ें पहले कहाँ थी? ये कैसे आई? जब कंप्यूटर और इंटरनेट और यूनिकोड जब आपस में जुड़ गए, लैंग्वेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। यानी कि मैं यहाँ से हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप वहाँ अपने सिस्टम में, अगर आपको उड़िया आती है तो मैं अपने सिस्टम में हिंदी टू उड़िया, और आप अपने सिस्टम में उड़िया टू हिंदी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर उसको इनेबल करेंगे तो मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन आप उड़िया में सुनेंगे, और वहां से उत्तर आप उड़िया में देंगे और मैं हिंदी में सुनूंगा। तो ये बड़ी, बहुत बड़ी विस्तृत जानकारियां हैं। अगर आपको इनके विषय में और रुचि होगी तो मैं अभिषेक जी से कहूंगा कि इसके बारे में फिर एक बड़ी प्रैक्टिकल क्लास जैसी रखेंगे, जहां पर हम इन्हीं टेक्निकल विषयों की जानकारी करेंगे कि हिंदी में प्रौद्योगिकी का जो प्रवेश हुआ है उससे हिंदी में भी आज के समय वह सब कुछ करना संभव है जो अंग्रेजी में आप कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप इंग्लिश में करते हो और वो हिंदी में संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रयास करना होता है, और ऐसा नहीं होता है कि आप अंग्रेजी सीखने में तो बहुत मेहनत करें और हिंदी या उड़िया का काम सीखने में आप बिल्कुल मेहनत ना करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को तैरना आता है, आता है तैरना, आता है, तो जिनको तैरना आता है वो तालाब में भी तैर सकते हैं, नदी में भी तैर सकते हैं, समुद्र में भी तैर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपने तैरना कहाँ सीखा, तो आप ये कहेंगे कि अपने गांव के पास, गांव के छोटे तालाब में या छोटी नदी में। और अगर मैं कहूं कि अच्छा, आपने तैरना बिस्तर पे क्यों नहीं सीखा,
या क्लास में टेबल के मेज के ऊपर क्यों नहीं सीखा? तो आप कहेंगे क्या मजाक की बात कर रहे हैं सर आप, तैरना कहीं बिस्तर पे होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सीखना भी उस जगह जाके ही होता है जो आप सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप हिंदी में टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, गलत सही का विचार छोड़ दीजिए, शुरू तो करिए। आपने तैरना सीखा था तो क्या पानी को पहले देख देख के आप घर में भागे थे 10-20 दिन? नहीं, पानी में ही गए थे, वहीं हाथ पांव टेढ़े उल्टे सीधे मारे थे, थोड़ा डूबे थे, थोड़ा मुंह में भी पानी गया था, किसी ने हाथ पकड़ा था, किसी ने सहारा दिया था, आज आप तैरने लग गए। बिल्कुल यही चीज है कि आपको सीखने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हिंदी का काम भी सीखने के लिए कम से कम उतना प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा जितना आपको अंग्रेजी सीखने के लिए आपने किया था। तो ये सब चीजें आज की हमारे इसकी थी। ब्लॉगिंग के लिए मैंने बताया आपको, अनुवाद के क्षेत्र के लिए मैंने बता दिया कि गूगल ट्रांसलेशन है, और गूगल ट्रांसलेशन के ऊपर मैंने एक आजकल एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ कि गूगल ट्रांसलेशन की सीमाएं एवं भावार्थ का संकट। कभी उस क्लास को लूंगा मैं आप लोगों के लिए कि गूगल ट्रांसलेशन पर बहुत विश्वास मत करिएगा, वो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है, सत्यानाश कर देता है, कहीं आपको बहुत अच्छी तरह पिटवा भी सकता है। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेशन पर बहुत ज्यादा विश्वास मत करना। मन अपना मन बुद्धि विवेक मस्तिष्क लगाना गूगल ट्रांसलेशन में। ठीक है, जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इनटेक इज 27, अगर गूगल ट्रांसलेशन को डालेंगे तो ये कहेगा विद्यार्थियों की सेवन संख्या 27। तो इनटेक का अर्थ वो संख्या नहीं समझ सकता, वो इनटेक का अर्थ सेवन। तो गूगल ट्रांसलेशन पर बहुत ज्यादा विश्वास मत करना। कंठस्थ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है जिसमें कि अनुवाद का काफी अच्छा काम होगा। उससे पहले मंत्रा था, MANTRA, आप मंत्रा डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, मंत्रा से आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन। मशीनी अनुवाद यद्यपि काफी कुछ सटीक होता है लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो भाव नहीं समझता है, मशीन भाव नहीं समझती है। मशीन अनुवाद का अर्थ क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जो हमारा जो मैटर है, जो हमारा पाठ है, जो लक्ष्य भाषा है, सोर्स लैंग्वेज है, उस लक्ष्य भाषा के पाठ को कंप्यूटर बुद्धि को देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देगी, और वो कंप्यूटर बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता वो उस पाठ को मशीन से टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा के पाठ में बदलेगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मशीन ट्रांसलेशन। राजभाषा विभाग में सीडेक जो है पूना, वो बहुत से प्रयोग करता रहता है, उन्होंने बहुत सी मशीन बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं। मंत्रा और कंठस्थ भी उन्हीं का है जो कि अनुवाद के लिए काम कर रहा है, और ऐसा ऐसा मेरा विचार है कि कंठस्थ अच्छा काम करेगा। हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया, आप अपना बस ब्लॉग बना लीजिए, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाइए, उसमें अच्छी अच्छी चीजें लिखिए, अपनी भावनाओं को शब्द देना सीखिए, उनको सृजनात्मक अपने अंदर शक्ति का विकास करिए, रचनात्मक रहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखना सीखेंगे, अपने भावनाओं को शब्द दीजिए, उनकी डिजाइनिंग करिए, उनका संशोधन करिए, उस पर लोगों के विचार मांगिए, लोग आपको प्रतिक्रिया देंगे, कुछ प्रतिक्रिया आपको उत्साहित करेंगी और अच्छा लिखने के लिए, कुछ प्रतिक्रिया आपको हतोत्साहित भी करेंगी। उनसे घबराइएगा मत, जो आपको हतोत्साहित करते हैं वो आपके ज्यादा अच्छे मित्र होते हैं, जो आपकी सदैव तारीफ करते हैं हो सकता है वो आपके अच्छे मित्र न हो, है नहीं? हतोत्साहित करने वालों को, निंदा करने वालों को भी विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से स्वीकार करिए, निंदक निरे राखिए आंगन गुटी छवाए,
बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह तो जो निंदा करें। अगर ब्लॉग आपने लिखना शुरू किया और उस पर कुछ लोग निंदा करें तो उनको निंदा करने दीजिए, उनकी निंदा से अपने कदम मत रोकिए, अपने कदमों को और आगे बढ़। कुंवर बेचन जी की एक का एक गीत है, उसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे ईंट पत्थर फेंके तो मैंने उनको ईंट पत्थरों को उठा के उनके ऊपर नहीं फेंका, मैंने उन ईंट पत्थरों से ही उठा उठा के अपना आशियाना बना लिया। तो ये ब्लॉग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्लॉग की दुनिया में यदि आप जाएं तो इस रूप में ना जाएं कि आपको बहुत तारीफें ही मिलेंगी, या फेसबुक की दुनिया में या किसी भी सोशल मीडिया पर आप जाएं तो इसलिए ना जाएं कि आपको तारीफ मिलेगी। और वैसे बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग नहीं है कि आप उसमें बहुत समय दें, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उससे बिल्कुल दूर भी हो जाएं। लेकिन वहां पर हो रही निंदाओं से घबराएं नहीं, वहां से हो रही तारीफों से फूले नहीं एकदम, हमने बहुत अच्छा लिख दिया, और किसी ने कहते क्या बकवास लिखते हो, तो मर गए अब नहीं कुछ लिखेंगे, ऐसा भी ना करें, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो मेरा एक फेसबुक मेरा भी पेज है राजीव रावत, डॉक्टर राजीव रावत हिंदी में है, आप चाहें उससे मुझे जुड़िए, मैं भी कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत लिखता वेखता रहता हूँ, आप उसके साथ भी कुछ अपने आपके सवाल हो प्रश्न हो आप वहाँ भी रख सकते हैं। तो अभी मोटे तौर पर ब्लॉगिंग बहुत हिंदी ब्लॉगिंग बहुत 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 लंबी है, बहुत इसका बहुत विकास हो चुका है, और लगभग लगभग 30-25-30% हर वर्ष हमारे इंटरनेट प्रयोगता बढ़ रहे हैं भारत में, हर वर्ष 25-30%। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ब्लॉग बनाना एक बहुत अच्छा उपकरण है कि आप ब्लॉग में अपनी भावनाओं को सीधे सीधे नाम अपने शब्द देते हैं और वो आप ही उसके नियंत्रक होते हैं, कोई और आपको समझाने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यदि आप ब्लॉग बनाएं तो आप अपनी भाषा में सीधे सीधे लिखना शुरू करें, अंग्रेजी को माध्यम न बनाएं कि आप देवनागरी में न लिखें और इंग्लिश में रोमन लिपि में लिखें और रोमन में लिखें फिर वो हिंदी में जाए, या आप रोमन में ही लिखते चले जाएं, वो कोई अच्छा संप्रेषण मेरे लिए नहीं है, और मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग उसको नहीं अच्छा पसंद करते हैं। तो जब आप सीधे सीधे आप लोग अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छा होगा, नेट से कुछ कुछ कमाई भी होती है लोगों की, पेपर क्लिक होती है, एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, स्वयं के प्रोडक्ट बेचते हैं, विज्ञापन करते हैं, कुछ जो व्यूज होते हैं यूट्यूब वगैरह में उनसे भी लोगों को कमाई होती है, clickbait.com कितने लोग हंट करते हैं आपकी वेब्स आपकी उस ब्लॉग को, वहाँ से भी कुछ कमाई होती है, कुछ प्रमोशंस से कमाई होती है। लेकिन मैं मानना है कि कमाई की तरफ आप ना भी ध्यान दें, पहले अभिव्यक्ति की तरफ ध्यान दें कि आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने का थोड़ा समय मिल रहा है और आप अपनी भाषा में अपने शब्दों को व्यक्त करना सीखिए, तो ये आपके लिए आवश्यक होगा। तो जब आप हिंदी ब्लॉग बनाएं तो ज़रूर मुझे भी सूचना दें कि मैं भी आपके ब्लॉग को देखूं, और आप उस ब्लॉग को सभी जब आप सर्वर पर डाल दें तो सब लोगों को उसकी सूचना दें कि भाई मेरे ब्लॉग पर आइए, और वो आपके ब्लॉग पर आएं, कुछ लिखें, कुछ टिप्पणी दें, अपनी सूचनाओं को अपनी पढ़ाई लिखाई की बातों को भी आप साझा कर सकते हैं। तो ब्लॉग एक अच्छा साधन है अपने आप को व्यक्त करने का, और हिंदी के क्षेत्र में बहुत से लोगों ने ब्लॉगिंग लिखना शुरू किया प्रारंभिक में, आलोक पौराणिक से लेके नीरज जैन, आज तो अनूप शुक्ल जी हैं, और हिंदी के ज्ञानदत्त पांडे हैं, हरिशंकर आपके ये जो हैं हरिराम भंसारी जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, इन लोगों के बहुत से ब्लॉग हैं, अजय मलिक जी हैं, इन सब लोगों के इतने सारे ब्लॉग हैं कि आपको हिंदी से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हिंदी से, संस्कृति से, साहित्य से, राजभाषा से जुड़ी हुई बहुत बहुत जानकारियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम अभिषेक जी सैद्धांतिक पक्ष को यहाँ विराम दें और कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न लिए जाएं। जी निश्चित तौर पर सर, विद्यार्थियों ने प्रश्न वगैरह बहुत सारे प्रश्न रखे हैं, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न
एक सेकंड सर, प्रभाष जी ने एक प्रश्न पूछा है कि प्रशासनिक शब्दावली के लिए कौन कोई वेबसाइट है क्या? वो आपसे पूछते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली की कोई वेबसाइट है? आप नोट करिए, CST, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CST. CST का एक ऐप भी है, आप उसे भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में पीसी में एक्टिवेट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और प्रशासनिक शब्दावली आपको वहां पर मिल जाएगी। उसमें जिस डोमेन पर आप काम कर रहे हैं, प्रशासनिक है, वाणिज्यिक है, कृषि है, चिकित्सा है, बहुत सारे शब्दकोश, बहुत सारी ग्लोसरीज CST ने तैयार की हैं और वो आपको CST की साइट पर आप जाएं तो आपको वहाँ मिल जाएगी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं एक इसमें प्रेजेंट कर सकता हूँ, एक सेकंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही है। सभी विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये है CST की वेबसाइट। आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। तो जिनका सवाल है प्रभास जी का, वो इसको नोट कर लें। ये हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, और इसमें ये सारी की सारी ये शब्दावलियां हैं। और जैसे आपने यहाँ पर कोई शब्द डाला, आपने डाला इंग्लिश में, मान लिया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपने क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये आपको इतनी सारी फीचर्ड चीजें मिल गई जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। देख रहे हैं आप? और ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और ये देखिए, ये ग्लोसरी है, इस ग्लोसरी में ये सभी डोमेन हैं। जिस डोमेन में भी आपको कोई चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी जब आपने लिया तो आपने ये क्लिक किया और वही चीजें जो आप प्रशासनिक शब्दावली पूछ रहे हैं, वो ये दोनों प्रशासनिक शब्दावली हैं। इनकी मुद्रित प्रतियां भी हैं, अगर आप चाहें तो CST को चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर दे देंगी, आपके यहाँ भिजवा देंगी ये प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है? जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्न लेते हैं। रश्मि जी एक प्रश्न पूछती है कि इंडिक लेआउट क्या होता है? इंडिक लेआउट क्या होता है? देखिए, इंडिक से इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि इंडिक से मतलब इंडिया तो हो गई। तो इंडिक लेआउट क्या है कि गूगल ने इंडिक इनपुट टूल्स बनाए हमारे हिंदुस्तानियों की सुविधा के लिए, क्योंकि गूगल ये जानता था कि भारतीय अपना नाम जो है उसका सूर्य प्रकाश, वो उस सूर्य प्रकाश का अनुवाद करेगा तो वो सनलाइट लिख देगा, लेकिन नाम तो सूर्य प्रकाश है ना, तो सूर्य प्रकाश का अनुवाद सनलाइट तब तो हो सकता है जब आप ये लिख रहे हो कि उस कमरे में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा था, तब तो ठीक है कि आप उसका अनुवाद करें कि द सनलाइट वॉज एंटरिंग इन द रूम। लेकिन यदि आपका नाम सूर्य प्रकाश है तो फिर आपका अंग्रेजी नाम सनलाइट तो नहीं हो जाता ना। तो ये जो समस्या है इंडिक वाली में, इंडिक को ज्यादा अच्छी तरह से आपको
इसीलिए नहीं बताऊंगा कि मैं उसके बारे में बताना जानता नहीं, और मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं चाहता नहीं कि आप इंडिक विंडिक में पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको सीधे सीधे आपको देवनागरी इनस्क्रिप्ट बता दिया। देवनागरी इनस्क्रिप्ट बताने से लाभ ये होगा, आपको थोड़ा दो चार दिन थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन आप फिर सीधे सीधे टाइप करेंगे। जैसे आपको भुवनेश्वर टाइप करना है तो आप BHUWANESHWAR और फिर इंडिक में आपको चार छह विकल्प मिलेंगे, भुवनेसुर, भुवनासुर, भुवनेसर, ये उन विकल्पों में आप चुनेंगे कि भुवनेश्वर कौन सा है। तो मेरा कहना ये है कि आप सीधे सीधे जब इंडिक को छोड़ देंगे, इंडिक एक व्यवस्था है रोमन में दबा के देवनागरी के शब्द सामने आउटपुट में आएंगे। आप चाह कर सकते हैं, bhashaindia.com से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल इंडिक इनपुट टूल्स, IME 2 वगैरह वगैरह से आप उनको कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना आपको यही परामर्श रहेगा कि आप उस शॉर्टकट में न जाएं और थोड़ा सा अभ्यास करें कि सीधे सीधे देवनागरी इनस्क्रिप्ट पर सीधे ही टाइप करिए। भुवनेश्वर टाइप करना है तो सीधे सीधे देखिए, मैं आपको एक शेयर करता हूँ फिर अपना एक पेज, और उस पेज पर मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है? देखिए मैंने ये अभी एक छोटा सा पेज बनाया, एक सिंगल पेज में बना रहा हूँ, और इसको मैं आप ही का नाम देता हूँ कि ये सवाल किसका है अभिषेक जी? सर ये सवाल है रश्मि जी का। हमने इसको पेज को नाम दिया रश्मि जी के प्रश्न का उत्तर, ठीक है? अब मैं इस पेज पर आपको टाइपिंग करके बताऊंगा कि ये टाइपिंग इतना आसानी से आप सर आपका यस। आपका सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग हाँ बंद हाँ है, हम देख आएगी नहीं आएगी पा रहे अभी जी। आएगी अभी आएगी। मैं पहले विंडो देखिए, ये एक पेज है, ये रश्मि जी के प्रश्न का उत्तर है। अब मैं इसमें देखिए आपको सीधे सीधे टाइप करता हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए और बीच बीच में मुझसे सवाल भी करते जाइएगा कि आपके मन में कठिन से कठिन कौन सा ऐसा शब्द आया जो कि आप मुझसे टाइप कराना चाहते हैं। आप तब तक खूब विचार कर लीजिए मन में, कठिन से कठिन शब्द। अभिषेक जी स्क्रीन आ रही है? जी सर आ रही है सर। आज दिनांक 20 जुलाई 2020 को उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की कक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी विषय पर विद्यार्थियों से बात की। क्या आप इंडिक जो है उसमें ऐसे इतनी तेजी से टाइप कर पाएंगे? नहीं सर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहां आपको विश्वविद्यालय लिखने के लिए आपको VISHWAAVIDYAALYA ये लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये है इसका लाभ कि आप सीधे सीधे देवनागरी में सीखिए कि और कैसे देवनागरी आएगा मैं आपको बताऊं।
ये आप देख रहे हैं यहाँ मेरा, जहाँ स्टार्ट पर मेरा कर्सर है, दिखाई दे रहा है? मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको स्टार्ट पर? जी सर दिखाई दे रहा है। जब आप स्टार्ट दबाएंगे, कर्सर यहाँ पर दबाएंगे, तो अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल में। आप यहाँ पर सर्च में सीधे सीधे कंट्रोल पैनल भी डाल सकते हैं, CONTROL, कंट्रोल पैनल। जब आएगा कंट्रोल पैनल, आया, ये कंट्रोल पैनल दिख रहा है आपको? सभी को कंट्रोल पैनल दिख रहा है? नहीं सर कंट्रोल पर नहीं दिखता जी अच्छा, कंट्रोल पैनल आपको नहीं दिख रहा है। ओके, मैं इसको शेयरिंग को बंद करूं, फिर दोबारा आपके पास जाऊं, यहां से फिर प्रेजेंट में जाऊं, और विंडो क्रोम टैब, विंडो विंडो में कंट्रोल पैनल और शेयर, ये भी कंट्रोल पैनल दिख रहा है? सर दिख रहा है? जब जी ये कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, तो यहाँ देखिए क्लॉक एंड रीजन है। क्लॉक एंड रीजन को जब आप दबाएंगे, तो ये डेट एंड टाइम एंड रीजन, चेंज डेट एंड टाइम और नंबर फॉर्मेट, एड क्लॉक्स, चेंज द टाइम जोन, चेंज द साइड जोन। इसी में ये आप देखिए नीचे ईज ऑफ एक्सेस है। ईज ऑफ एक्सेस में देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन, सेटअप ए माइक्रोफोन, ऑप्टिमाइज विजुअल डिसिप्लिन, रिप्लेस साउंड्स विद विजुअल क्यूज, चेंज हाउ योर माउस वर्क्स। ये सब क्या है? ये सब कंट्रोल पैनल में आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं, कि जहां पर आप अपना ये सुविधाएं प्रयोग कर सकते हैं जो स्पीच रिकॉग्निशन की है। अच्छा, जब ये आपने रीजन में गए, तब तो आपने देखा कि यहाँ पर ये आ गया लैंग्वेज प्रेफरेंसेज। लैंग्वेज प्रेफरेंसेज में जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल सेटिंग्स, और ये है मैच विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज रिकमेंडेड। और इसमें अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, तो ज्यादा मत इसकी खोजबीन करिएगा, ज्यादा आप भटकिएगा मत। आपको सिर्फ देवनागरी इनस्क्रिप्ट करने के लिए बहुत छोटा सा सिलेक्शन करना है। आप इसको और इजी वे में समझिए। मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग विंडोज 7 से ऊपर होंगे, विंडोज 7 और 10 से ऊपर अधिकांश लोग विंडोज 10 या विंडोज 7 से ऊपर प्रयोग कर रहे होंगे। जी हाँ, तो जो विंडोज 7 और 10 से ऊपर करेंगे, फिर उनके लिए छोड़ दीजिए, फिर तो वो सीधे सीधे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला सवाल ले लीजिए। इंडिक वाले के लिए मैं बता दूं फाइनल, कि इंडिक वाला जो आप चाहें तो कर लीजिए शुरुआत में। इंडिक इनपुट भाषा इंडिया .com से भी ले सकते हैं, ILDC से भी ले सकते हैं, और सीधे IME गूगल इनपुट भी ले सकते हैं। लेकिन उसकी थोड़ी आपको सीमाएं हैं, बड़े शब्द आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे किम कर्तव्य विमूढ़म लिखना है, तो आप कई बार सोचेंगे कि क्या क्या दबाना है। ठीक है, जी सर सर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और प्रश्न लेता हूँ। दो प्रश्न उन्हें मैं जोड़ के लेता हूँ क्योंकि ये समान ही है। पहला प्रश्न कि ब्लॉगिंग के नकारात्मक पक्ष क्या है और क्या ब्लॉगिंग हमारे लिए लाभदायक है, उसके लाभदायक जो उसके पक्ष है और नकारात्मक पक्ष, उन दोनों पर सर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको मेरे प्रेजेंटेशन में एक साइट थी, शायद आपने वो देखी नहीं ध्यान से। देखिए दोबारा आइए आप उसके ऊपर। ब्लॉगिंग के थोड़े से नकारात्मक पक्ष हैं, सकारात्मक ज्यादा हैं। आप एक बार फिर देखिए। प्रेजेंटेशन मिल गया आपको? हाँ सर स्क्रीन पे आ रही है। मैं जी जल्दी सर जल्दी से उसी साइट पर जाऊंगा जो दिखानी है, ठीक है? जी जी बिल्कुल सर
से ब्लॉक शुरू हुआ था। ये देखिए ब्लॉक की विशेषताएं हैं, पढ़िए जल्दी से जिनका सवाल है। और ठीक है, ये ब्लॉगिंग के नुकसान है। अनर्गल व्यक्तिगत आक्षेप से आपको समस्या हो सकती है। किसी ने आपने कोई बहुत अच्छी पोस्ट डाली या कोई फोटो डाला और किसी ने उस पर कुछ लिख दिया जो कि आपको अप्रिय लगेगा, तो फिर वो आपको समस्या ग्रस्त करेगा। राजनीतिक प्रोपेगेंडा होने लग जाते हैं, कुछ गोपनीय सूचनाएं भी सार्वजनिक हो जाती हैं, व्यक्तिगत जानकारियां भी लोगों के पास चले जाती हैं, एक एडिक्शन भी हो जाता है ब्लॉग लिखने का, कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं, गलत कभी कभी कोई शब्द आप लिख रहे हैं और उसकी वर्तनी लिखना आपको नहीं आया तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगी, है नहीं? एक आवासीय जीवन होता है, वो वास्तविकता नहीं है, उसमें ही फिर आनंद आने लगता है। तो आनंद जब आवासीय जीवन में आने लगता है तो व्यक्तिगत जीवन के आनंद कुछ कम हो जाते हैं, तो ये व्लॉगिंग के नुकसान है। और बताएं जी सर। सर एक अंतिम प्रश्न है उसे मैं लेता हूँ। आशीष जी एक प्रश्न पूछते हैं कि गूगल इनपुट टूल्स का व्यवहार आधुनिकता के दृष्टिकोण से कहाँ तक सही है? देखिए, गूगल इनपुट टूल्स बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं और जिनका अभ्यास है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन आपको अगर हिंदी में सीधे सीधे टंकण करना आ जाए तो उसमें आपत्ति कहाँ है, उसमें कमी क्या है, गलती क्या है? मैं इसको थोड़ा सा मजाक के तौर पर अपने व्याख्यानों में कहता हूँ कि आपको अपने घर में जाना है तो आप क्यों पड़ोसी के छत से कूद के आना चाहते हैं? आपको हिंदी लिख, एक बात ये मानी उस परिस्थिति में ठीक था कि आपके घर के दरवाजे की कुछ टूट फूट हुई थी, वहां पर सीमेंट लगाया हुआ था, कोई वहां पर बांस बल्ली का झाड़ झंखाड़ था, तब आपने कुछ दिन प्रयोग कर ली, पड़ोसी की छत से आप अपने अपने आंगन में कूद गए, हुआ ठीक है। तो जब तक आपको इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तब तक आपने अगर ऐसा किया तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने गूगल इनपुट टूल्स का प्रयोग किया, देवनागरी का प्रयोग जो आप कर रहे हैं, आपने RAM लिखा, राम आ गया। लेकिन अभी तो आपके पास देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है ना, सीधे सीधे, तो सीधे सीधे टाइप करिए, फिर काहे को हम उसके मार्फत जाएं। जी निश्चित तौर पर। दो प्रश्न सर मुझे यहाँ पर देख करके मुझे गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति याद आ गई कि अब के सावन में यह शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। तो वही चीज है यहाँ पे। विद्यार्थियों ने एक प्रश्न लिखा है कि सर कंप्यूटर में हिंदी भाषा कैसे प्रयोग करें, तो उसका तो आपने सर लाइव ही डेमो दे दिया कि किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं उस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा, अंतिम एक प्रश्न लेता हूँ उसके उपरांत हम चर्चा। नहीं, इनका जिनका ये सवाल है, जिनका ये सवाल है, किनका है? श्रद्धा जी का सवाल है। किसका? श्रद्धा साहू जी ने पूछा। अच्छा, आप एक काम करिएगा, आप नोट करिए balendu.com balendu.com balendu.com। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसमें अभी प्रेजेंटेशन में फिर टाइम लग जाएगा। तो balendu.com पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्पर्श। स्पर्श में जाके आप ऐसे देखिए, मैं आपको एक सेकंड लूंगा, आप जरा बने रहिए। जी सर।
मैं आपका ये प्रेजेंटेशन ये वाला बंद कर रहा हूँ, और अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आपको। जी आप देखिए, जिनका ये सवाल है, balendu.com डालेंगे तो ये पेज आएगा। आप देख पा रहे हैं? जी सर, जी सर, ये देख पा रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय बालेंदु जी को पुरस्कार दे रहे हैं। सर, मैं इनके पेज को भी फॉलो करता हूँ लगातार। हाँ, तो आप इस पेज पर जाएंगे तो आप देखिए, ये स्पर्श है, ये स्पर्श है, ये वाला देख रहे हैं आप? जी तो ये, इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करके जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इन जो फाइल है, और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जो जो वहां दिया हुआ है उसके साथ चलते जाइए, आप हिंदी टाइपिंग करना एक हफ्ते में सीख जाएंगे, एक हफ्ते में। ठीक है, जी सर, ये आप, और इस साइट को भी नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छी साइट है। आप इसमें बहुत सी और भी चीजें पा सकते हैं, आप इसको अपने हिंदी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण साइट है। ठीक है, चलिए और बताइए। सर सर और कोई प्रश्न नहीं है सर, जो प्रश्न थे एक मैंने आपसे बीच में सुन सवाल और आ रहा था। वो सर सवाल आ रहा था, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आज के विषय से संबंधित नहीं है, नहीं इस नहीं कोई वजह बात से। नहीं, वो किनका सवाल है मैं उनको रश्मि बताऊंगा जरा। रंजन महंता जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो लिखते भी हैं कि सर एक प्रश्न बाहर से पूछना चाहता हूँ हाँ कि हाँ राजभाषा संबंधी अब तक कितने अधिनियम बनाए गए हैं। देखिए, राजभाषा संबंधी जो अधिनियम है वो 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 ही है। उस नियम में कुछ संशोधन समय समय पर हुए हैं। उस अधिनियम के आधार पर राजभाषा नियम 1976, फिर कुछ संकल्प 1968, 1952, फिर राष्ट्रपति के आदेश। अगर आपको इस विषय में जानने की रुचि है तो आप एक काम करिएगा कि आप या तो जो मैंने आपको एक साइट बताई थी, ये वाली जो बताई थी आपको, इनकी अजय मलिक का जो ब्लॉग बताया था ना, हिंदी फॉर यू, जी सर, तो या तो आप उस ब्लॉग पर जाइएगा, और या मैं जो आपको अभी एक ये साइट प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इस साइट पर जाइएगा तो ये आपको बहुत सारी जानकारी दे देगी। ये हमारे भारत सरकार की राजभाषा की साइट है, RAJBHASHA.gov.in। ठीक है, तो राजभाषा, ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको अभिषेक जी? जी सर दिखाई दे रहा है सर। तो ये जो साइट है, राजभाषा विभाग की साइट है, और इस साइट में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कोई चुन सकते हैं। आप यहाँ लैंग्वेज जब हिंदी कर लेंगे तो ये आपकी हिंदी की साइट हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, जी, और अगर आप मुख्य पृष्ठ पर चले जाएं तो ये मुख्य पृष्ठ है इसका, और इस मुख्य पृष्ठ में आपको बहुत सी चीजें, तो जैसे महत्व, यहाँ पर आप जाइए राजभाषा अधिनियम 1963, तो ये राजभाषा संबंधी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स हैं, जितने संवैधानिक आदेश हैं, वो यहाँ पर हैं, और बहुत सी सूचनाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप जब आपका मन करे आप समय निकाल के यहाँ पर देख लीजिएगा। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके इतर सर और कोई प्रश्न नहीं है, जो थे मैंने आपके समक्ष रख दिए। तो सर हम अपनी कक्षा को सर यहीं समापन की ओर लेकर के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आज आभार के आपका। आज की जी आज की कक्षा में लोग ये सोच रहे होंगे, आज आज जो है कोई वो नहीं आया, रस नहीं आया। जी सर, जी भाई, सूचना प्रौद्योगिकी थी, थोड़ा सा गंभीर विषय होता है, रस तो आपके मन में होता है। ठीक है ना, कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है।
जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, जी तो सर, मौसम आपके अंदर है, आप उसको मन से प्रौद्योगिकी के विषय को भी आप संजीदगी से लीजिए। मैं ये शायद अभिषेक को ध्यान होगा, इन्होंने याद दिलाया था, हाँ मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि मैं प्रौद्योगिकी को ज्यादा सीखने की आवश्यकता मानता हूँ कि हिंदी वाले लोगों को ज्यादा अच्छी आनी चाहिए, सही बात है सर, निश्चित तौर पर सही। ठीक है ना? जी तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हिंदी वाला इसको क्या प्रौद्योगिकी आती होगी। जी सर, मुझे याद विद्यार्थियों ने है आपसे भी लिखा है कि आपकी कक्षा लेने की शैली बहुत बेहतरीन है मुझे याद है कि इंग्लिश पिक्चर लगी थी और इंग्लिश पिक्चर की बहुत भीड़ थी और लाइन में एक सर। बड़े बूढ़े सज्जन कुर्ता पजामा पहन के खड़े हुए थे, तो एक लड़के को जिसको टिकट नहीं मिली थी, पीछे था काफी, उसने सोचा कि वो आया उनके पास, उनको बोला अरे चाचा आप क्या करोगे, पिक्चर देखे, ये अंग्रेजी पिक्चर है। तो चाचा बोले सो दैट व्हाट, आई हैव नो आईज, आई कैन नॉट सी एन इंग्लिश मूवी। तो किसी के कपड़े लत्तों से देख के ये नहीं लगना चाहिए कि इसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, इसी तरह से जी हिंदी वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती होगी, हिंदी वाले को टेक्नोलॉजी ज्यादा आनी चाहिए। सही बात सर, तो आप लोग सभी अपने अपने कंप्यूटर में देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड एक्टिवेट करें, इंस्टॉल करें, ठीक है, यूनिकोड एक्टिवेट करें, और यूनिकोड एक्टिवेट करके सीधे सीधे आप देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करें। और इसमें जो ईज ऑफ एक्सेस मैंने बताया था उसमें एक आपने देखा होगा, या आप इस कंट्रोल पैनल में जहाँ होता है ना टाइप हियर टू सर्च, आप उसमें डाल दीजिए OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड OSK, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड डालने से वो कीबोर्ड आपके सामने ही आपकी डेस्कटॉप इस पर आ जाएगा स्क्रीन पर, और जब आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश जब टॉगल स्विच का प्रयोग करेंगे, जब आप यूनिकोड एक्टिवेट कर चुकेंगे, तो उसमें आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आने से कीबोर्ड आपको सामने दिखाई देगा, सामने दिखाई देने से आप जो दबाएंगे वो आपकी उंगलियों को ट्रेन करिए, उंगलियों को ट्रेन करिए, ASDFG जैसे आपने अंग्रेजी सीखा था उसी तरह से आपको हिंदी का भी अभ्यास सीखना है। तो जब आप स्पर्श में जाएंगे तो स्पर्श के आधार पर आपको अच्छी तरह से हिंदी की टाइपिंग करना, हिंदी का टंकण करना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रयास करिए, आप सीधे सीधे हिंदी का टाइप सीखिए। इंडिक इनपुट टूल्स, ट्रांसलिटरेशन, फोनेटिक्स में किसी का विरोधी नहीं हूँ, काम आना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन अब क्या है क्योंकि मैं देवनागरी में करते करते इतना अभ्यस्त हो गया हूँ कि मुझे अगर मैं अभी आपको अगर वो बताने लगूंगा तो आप कहेंगे अरे इनको ये भी नहीं आता, मैं शायद अब वो भूल चुका हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग का अर्थ मैं ये बताता हूँ अपने मैनेजमेंट की क्लासेज में, जब मैं MBA के लोगों को पढ़ाता हूँ या और कहीं हायर ऑफिसर्स की क्लासेस लेता हूँ, GM से GMs वगैरह की वर्कशॉप लेता हूँ, तो मैं लर्निंग का एक मीनिंग बताता हूँ, ट्रेनिंग का मीनिंग, कि ट्रेनिंग का अर्थ ये नहीं होता है कि आप ऑलवेज लर्निंग कर रहे हैं, नहीं, ट्रेनिंग का अर्थ ये भी होता है आप अनलर्निंग भी कर रहे हैं। जैसे आपने जो पहले सीखा था, आपकी ट्रेनिंग हुई, तो अब आप पहले सीखे हुए को भूलिए, जब आप पहले सीखे हुए को भूलेंगे तभी तो नई चीज का प्रयोग करेंगे ना। अब जो जिनके घर में माताजी बूढ़ी हो, थोड़ा एज हो, उनकी जाके पूछिए, अगर उनको आज गैस पे चूल्हे गैस के ऊपर खाना बनाने की आदत हो गई है, अब उनसे कहिए कि मम्मी गांव चलोगी क्या, वहां पर लकड़ी लेने जंगल में लाएंगे, वहां उपले के ऊपर खाना बनवाएंगे, तो मम्मी कहेंगी आज तो आज खाना खिलाती हूँ, ढंग से खिलाती हूँ, है। तो मेरे साथ भी अब लगभग वैसा ही हो गया है कि अगर मैं अभी आपको इंडिक विंडिक और फोनोटिक वर्नेटिक बताने लगूंगा तो आप हंसेंगे, अरे यार लो कर लो, इनको ये भी नहीं, इतना भी नहीं आता है, तो मैं वो सब चीजें भूल गया हूँ, मैं सीधे सीधे देवनागरी में करता हूँ। आप उसमें बोलिए, उसमें क्या जानना चाहते हो, उसमें क्या करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आपका,
कि आपने समय दिया अभिषेक जी, और उड़ीसा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत, उड़ीसा मुक्त विश्वविद्यालय को बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने बच्चों से कुछ बात कर पाए। आज की कक्षा में काफ़ी लोग रहे, 32 30 32 लोग रहे। कोई और कोई अभी है? 5 मिनट है मेरे पास अगली क्लास से पहले, अगर कोई कुछ और पूछना जानना चाहे तो बिल्कुल निसंकोच भाव से पूछ लीजिए। विद्यार्थियों ने आपको बहुत धन्यवाद लिखा है। जी सर, नहीं, मैं धन्यवाद का क्या करूंगा, आप कुछ करिए तब नहीं तो मुझे कुछ लाभ विद्यार्थियों, मिलेगा। आपको जो प्रश्न आए थे वो निश्चित तौर पर विद्यार्थी आमंत्रित है, आपके मैं मेरी उत्तर पाता हूँ सर। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि वो दुष्यंत की लाइन है ना, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। आप लोग हमारे भविष्य हैं, आप लोग अपनी भाषाओं में सीधे सीधे टाइप करना सीखिए, आप लोग अपनी अपनी भाषाओं में सीधे सीधे ब्लॉग लिखिए। अपना जो ज्ञान है आपका, जो जो आपके पास जो भी नॉलेज है, आप उसको अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में सृजित करिए। आप अपने गांव जाइए, आप अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करिए, उनसे पूछिए उनके पास कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, कितना व्यावहारिक अनुभव है, और उस व्यवहारिक अनुभव को आप जब अपनी भाषा में लिखेंगे तब आपको लगेगा अरे, तब आप अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे, अपने गांव से जुड़ेंगे, अपने गांव के लोगों से जुड़ेंगे। ये जो आज की जो प्रौद्योगिकी है ना, ये जो कुछ भी आज आप बहुत चमकीला चमकीला देखते हो ना, संबलपुर में, मैं भुवनेश्वर में, कटक में, पुरी में, जो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, हालांकि कोरोना ने सबके जाले लगा दिए, ताले और जाले दोनों लगा दिए, पहले ताले लगाए फिर जाले लग गए, है ना, ताले तो कोरोना ने लगाए, जाले प्रकृति ने लगा दिए। तो ये प्रौद्योगिकी के विकास के फूल हैं, ये ज्यादा लंबी दूरी के नहीं है, इनके ऊपर भ्रमित मत होइए। आप अपनी जड़ में जाइए, इस पेड़ की जड़ आपके गांव में है, आपके घर में है, आपके संबंधों में है, और जड़ मिट्टी में रहती है, जड़ गंदी होती है, जड़ खूबसूरत नहीं होती है, जड़ फेयर एंड लवली नहीं लगाती है। किसी ने, आपने देखा कभी जूतों के ऊपर किसी को फेयर एंड लवली लगाते हुए या टेलकम पाउडर छिड़कते हुए? चेहरे को तो आप चमका सकते हैं, लेकिन चेहरे से आप यात्रा नहीं कर सकते, यात्रा आपको पांव से ही करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो पांव की मजबूती पर ज्यादा ध्यान दीजिए, चेहरे पर थोड़ा दाढ़ी वाड़ी होगी हो कोई दिक्कत नहीं, चेहरा मोरा कोई ठीक हो ना हो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपका पांव कितना मजबूत है तब आपकी यात्रा होगी। तो ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप अपनी जड़ें मजबूत करिए, प्रौद्योगिकी को उस रूप में सीखिए जब वो आप, जो आपकी जड़ में आपकी मदद करे, आपको अपनी भाषा में मदद। आपने प्रौद्योगिकी सीख ली और आप काम अंग्रेजों के लिए कर रहे हो, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? हमारे देश में 23 IIT हैं, 31 NIT हैं, 32 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने आयसर कितने नायसर, 1000 से ऊपर विश्वविद्यालय, और एक नोबेल प्राइज नहीं आया आज तक। सीधा सीधा सीधे रास्ते से, सीधे रास्ते से एक नोबेल प्राइज नहीं आया है, क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा मौलिक चिंतन हमारी भाषा में है ही नहीं। मैंने आपको वो वीडियो इसीलिए दिखाई थी। तो आपके पास जो आपका ज्ञान हो, आप उसको अपनी भाषा में सृजित करिए, उसको संरक्षित करिए, उसको पेटेंट करिए, तो सारी दुनिया आपसे पूछेगी कि भाई ये ज्ञान क्या है, हमको चाहिए। अगर आप पूरी दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों की एक सूची बनाएं, किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक पक्ष में, चाहे वो सैन्य पक्ष में, चाहे वो विकास के पक्ष में, किसी भी पक्ष में 20 देश चुन लीजिए, आप एक सूची बनाइए, चाहे तो नेट से भी ढूंढ लीजिए। तो उन 20 देशों की सूची जब आप बना चुकेंगे तो आप पाएंगे कि उन 20 देशों में 16 देशों में अंग्रेजी नहीं है,
उन 16 देशों की भाषा, कामकाज की भाषा, शिक्षा की भाषा, अध्ययन की भाषा अंग्रेजी नहीं है। ये प्रश्न विचारणीय है, इस प्रश्न पर विचार करिए। ठीक है, तो ये जो प्रौद्योगिकी है, इसके लिए गालिब का एक शेर है कि है जहरे हलाहल भी तो अमृत भी यही है। जहरे हलाहल भी तो अमृत भी यही है, मालूम नहीं है तुझे अंदाज पीने का। तो इसीलिए हमारे यहाँ पुरानी कहावत में होता है ना, दवा दारू दी कि नहीं दी, किसी मरीज को दवा दारू दी कि नहीं दी। तो दारू मतलब पीने के लिए नहीं थी कि पी के नाली में गिरना है, वो पीने के नाली में गिरना डांस करना नहीं था घोड़ी के आगे, वो दवा थी। तो ये जो प्रौद्योगिकी है, इसको आप अपनी भाषा के साथ, अपनी हिंदी के साथ जोड़िए और इसमें जो करना है वो करिए। आज की प्रौद्योगिकी, सूचना क्रांति का जो आज का हमारा विषय था, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी सब जगह है, सब जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हिंदी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज की हमारी क्लास आप लोगों को कुछ प्रेरित करेगी कि आप अपनी भाषा के साथ जुड़ें। और देखिए, कक्षा का आखिरी आते आते सब आपके यहाँ हाजिरी लगाने आ गए, अभी 33 लोग हो गए। आप लोग कक्षा प्रारंभ में जुड़ा करिए भाई और बहनों। ये सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं हो रहा है कि आप आखिर में आएंगे और चरणामृत लेके चले जाएंगे, माथे से लगाएंगे और आपको सारे लाभ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक भजन कीर्तन होता है, सत्यनारायण कथा होती है, तब तक घंटे 2 घंटे बैठिए, तब वो लाभ मिलेगा आपको। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहुत बहुत विद्यार्थियों का धन्यवाद। आपका। कोई विद्यार्थी कुछ पूछ रहे थे, आप उनको फीडबैक दे दीजिए, हमारा मेल दे दीजिए अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार ठीक, पुनः एक बार सभी को आपका सर। नमस्कार।